हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जो आज का वीडियो है ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है, और मेरे ऐसी बहुत सी स्वीट सी सब्सक्राइबर है जिन्होंने इस वीडियो का रिक्वेस्ट किया है कि दी प्लीज मेकअप से पहले कैसे अपनी स्किन केयर रूटीन करते हैं वो वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। अब चाहे मेकअप कीजिए या ना कीजिए, लेकिन आपको ये सभी स्टेप तो अपनी स्किन केयर रूटीन में आपने शामिल करने ही हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि अगर आपको आपकी स्किन में ग्लो चाहिए, आपकी स्किन पर कोई भी दाग नहीं चाहिए, कोई भी दाने वाने की प्रॉब्लम नहीं चाहिए, तो आपको ये सभी स्टेप फॉलो जरूर करने चाहिए। चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि ऐसे कौन से ये जरूरी स्टेप्स हैं जो आपको हमेशा फॉलो करने ही चाहिए, चाहे मेकअप आप कीजिए या ना कीजिए, लेकिन ये सभी स्किन केयर रूटीन करने से आपकी स्किन हमेशा अच्छी दिखेगी, आपकी स्किन में ग्लो भी आएगा। और जब आप मेकअप से पहले ये सब चीज़ें फॉलो करते हैं तो आपका मेकअप जो है वो काला भी नहीं पड़ेगा, आपका मेकअप जो है फ्लॉलेस दिखेगा, पैची भी नहीं दिखेगा। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले फेस वॉश करूंगी, और मेकअप से पहले फेस वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अपनी स्किन को प्रेप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जैसे कि आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि मेकअप से पहले कैसे अपनी स्किन की केयर करनी चाहिए, क्या क्या स्टेप फॉलो करने चाहिए, तो यही सब चीज़ें मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। अगर आप इस तरीके से अपना स्किन केयर रूटीन डेली करते हैं या जब भी आप मेकअप करते हैं तब भी आपने करना है, और मेकअप अगर नहीं भी कर रहे हैं तब भी आपको अपनी स्किन केयर तो करनी ही है। इससे आपका मेकअप भी काला नहीं पड़ता है, मेकअप एकदम फ्लॉलेस दिखता है, ब्यूटीफुल दिखता है, पैची नहीं लगता है। तो ये सभी स्टेप फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर करने जा रही हूँ फेस वॉश। फेस वॉश के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ प्योर डस्ट फेस वॉश। ये पाउडर फेस वॉश है, हर्बल फेस वॉश है। आप भी किसी अच्छे हर्बल फेस वॉश की हेल्प से अपने फेस को क्लीन कर सकते हैं, फेस वॉश कर सकते हैं। वैसे तो आपको जो भी आपके फेस पर सूट करता हो, आपकी स्किन पर सूट करता हो फेस वॉश, वही आपको इस्तेमाल करना है। और मुझे अभी ये फेस वॉश बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, ये पाउडर फॉर्म में आता है। ये फेस वॉश काफी ज्यादा अच्छा है, इसका रिव्यू मैंने चैनल पर शेयर किया हुआ है, आई बटन पर मैंने लिंक दे दिया है, प्लीज आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। आपने बहुत ज्यादा जोर जोर से रगड़कर फेस वॉश कभी भी नहीं करना है, इससे वरना आपकी स्किन पर फाइन लाइंस और रिंकल्स की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। और आपने बस हल्के हाथों से इस तरीके से मसाज करते हुए फिंगर टिप की हेल्प से फिर आपने फेस वॉश करना है, इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। और फेस वॉश हमेशा आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली ही यूज कीजिएगा। अब चाहे यहां पर बात आए स्किन केयर रूटीन की या फिर मेकअप से पहले कैसे स्किन को प्रेप करने की, ऐसे में आपको स्क्रब तो जरूर करना चाहिए अपने फेस पर। अगर आप हफ्ते में दो बार भी स्क्रब करते हैं तो आपकी स्किन में जितनी भी गंदगी होती है, पॉल्यूशन जमा होता है, उसे अच्छे से ये क्लीन करता है। स्क्रब करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, अच्छे से आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, आपकी स्किन पर जितने भी ब्लैक एंड व्हाइटेड्स की प्रॉब्लम होती है उसे भी ये रिमूव करने में हेल्प करता है। तो इसलिए आपको वीक में दो बार तो स्क्रब अपने फेस पर जरूर करना चाहिए। मैंने अभी काफी दिन हो गया है स्क्रब नहीं किया इस वीक में, तो मैं अभी यहां पर यूज करने जा रही हूं मोहा हर्बल स्क्रब का। तो आपको जो भी स्क्रब आपकी स्किन पर सूट करता हो वो आप कर सकते हो, डीआईवाई स्क्रब का भी यूज कर सकते हो, जैसे कि बेसन कॉफी स्क्रब, बेसन स्क्रब, वो भी आप अपनी त्वचा को क्लींस करने के लिए या स्क्रब करने के लिए यूज कर सकते हो। तो यहां पर मैं यहां अब फेस वॉश के बाद स्क्रब लगाने जा रही हूं। ये स्टेप आपने फेस वॉश के बाद ही करना है, इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। और वीक में दो बार तो स्क्रब हमें जरूर करना चाहिए। मेरा फेस अभी थोड़ा गीला ही था इसलिए मैंने पानी नहीं लगाया है। आपने ड्राई स्किन पर कभी भी स्क्रब नहीं करना है, इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। हमेशा पानी लगाने के बाद ही, आपने फेस को गीला करने के बाद ही आपने स्क्रब करना है। हल्के हाथों से ही स्क्रब कीजिएगा ताकि आपकी स्किन पर दबाव ना पड़े, ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है आपने। इन सभी प्रोडक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आई बटन पर मैंने लिंक दे दिया है। इन सभी प्रोडक्ट की डिटेल वीडियो आपको मेरे आई बटन पर मिल जाएगी, मैंने सभी का रिव्यू अलग से अपने चैनल पर शेयर किया हुआ है। तो बस अभी मैंने अपने फेस को स्क्रब कर लिया है अच्छे से, और मैं अब अपने फेस को वॉश करके आती हूँ। टोनर लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, टोनर हर किसी को लगाना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है बॉयज और गर्ल्स दोनों को ही टोनर का इस्तेमाल करना चाहिए, और टोनर जो है हर स्किन टाइप वाले लोगों को लगाना चाहिए। अगर आपकी ऑयली स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, ड्राई स्किन है, चाहे कौन सी भी स्किन टाइप है, आपको टोनर जरूर लगाना चाहिए। फेस वॉश के बाद हमारी स्किन अक्सर ड्राई सी, खिंची खिंची सी होने लग जाती है, ऐसे में हमें जरूरत होती है एक ऐसी चीज की जो हमारी स्किन को अंदर से नरिश करे, अंदर से मॉइस्चराइज करे और हाइड्रेट भी रखे।
रखे। तो ऐसे में हमें जरूरत होती है टोनर की। फेस वॉश के एकदम से बाद में मैं नहीं बोलूंगी आपने इमीडिएट आपने टोनर लगाना है, फेस वॉश करने के 10 से 15 मिनट बाद ही आपने टोनर को अप्लाई करना है। टोनर जो होता है अच्छे से स्किन में सिंक इन हो जाता है, अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, हमारी स्किन को अंदर से नरिशमेंट देता है और हमारी स्किन को हाइड्रेट भी रखता है और स्किन के पीएच लेवल को भी बैलेंस करता है। इसलिए टोनर को लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। टोनर जो होता है आपकी त्वचा में ना मेकअप को भी खींच कर रखता है, मेरा कहने का मतलब है कि उसको मेकअप को भी टिका कर रखने में बांध कर रखने में हेल्प करता है, इसलिए टोनर लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ वाओ स्किन साइंस लेवेंडर एंड रोज स्किन मिस्ट टोनर है, ये बहुत ही अच्छा टोनर है। और टोनर का एक और फायदा सबसे ज्यादा जो बड़ा फायदा है वो मैं आपको बता देती हूँ, अगर हम टोनर नहीं लगाएंगे ना तो हमारी स्किन पर आपने नोटिस किया होगा चाहे कोई सा भी मौसम हो अगर हम टोनर नहीं लगाते हैं ना तो हमारी स्किन पर छोटे छोटे दाने होने लग जाते हैं, जैसे एक्ने हो जाते हैं कुछ इस टाइप से दाने से होने लग जाते हैं या पिंपल की प्रॉब्लम होने लग जाती है। टोनर इससे भी आपकी त्वचा की रक्षा करता है, टोनर जो है दाने नहीं होने देता है, फेस पर पिंपल की प्रॉब्लम नहीं होने देता है और स्किन को ड्राई नहीं होने देता है। तो इसलिए टोनर को लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। टोनर को आप बस ऐसे ही हवा में मतलब अपने आप सूखने दीजिएगा या फिर आप इस तरीके से डैप डैप करते हुए भी टोनर को अपनी स्किन में लगा सकते हैं या फिर आप कॉटन में लेकर भी टोनर को लगा सकते हैं। मुझे ये स्प्रे टाइप बॉटल में जो टोनर आते हैं ना ये बहुत अच्छे लगते हैं यूज़ करने, क्योंकि इसे आप सफर में भी कैरी कर सकते हैं अपने पर्स में और ईजी होता है यूज़ करना जब इसे आप स्प्रे टाइप बॉटल में लगाते हैं यूज़ करते हैं तो बहुत आसानी हो जाती है। बस अब मैं 10 से 5 मिनट तक ऐसे ही वेट करूंगी, अच्छे से इस टोनर को अपनी स्किन में वर्क करने दूंगी, इसके बाद हम लगाएंगे सीरम। अब यहाँ पर बात करते हैं, कुछ लोग ना फेस वॉश के बाद ही इमीडिएट मॉइस्चराइजर लगाने लग जाते हैं या कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगा लेते हैं, कोई सीरम लगा लेते हैं। जब भी आप ये स्टेप फॉलो करते हैं, एक एक चीज जब आप लगाते हैं अपने फेस पर, तो इस बीच में आपको 15 से 20 मिनट या फिर 10 से 15 मिनट का वेट तो आपने करना ही है। 10-15 मिनट बाद ही आपने सेकेंड प्रोडक्ट जो है या दूसरी चीज अपने फेस पर आपने लगानी है। एकदम से सभी चीजें अपने फेस पर ना लगाएं, अच्छे से एक एक चीज अपनी स्किन में एब्जॉर्ब होने दीजिएगा, पेनिट्रेट होने दीजिएगा, उसके बाद ही आप सेकेंड स्टेप जो है मतलब नेक्स्ट स्टेप जो है वो फॉलो कीजिएगा। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि फेस वॉश की इमीडिएट मतलब मॉइस्चराइजर लगाने लग जाते हैं फेस वॉश करते ही। आपने एकदम से मॉइस्चराइजर को नहीं लगाना है, आपने सीरम भी लगाना है। मॉइस्चराइजर भी लगा सकते हैं, काफी लोगों की स्किन जो होती है बहुत ज्यादा ड्राई होती है तो वो मॉइस्चराइजर भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली है कॉम्बिनेशन है तो आपको वाटर बेस्ड या फिर जेल बेस्ड वाली चीजें यूज करनी चाहिए। आप जेल यूज कर सकते हो, एलोवेरा जेल, ऑरेंज जेल, हनी जेल और भी बहुत सारी जेल आपको गुड वाइब्स में मिल जाएंगी अलग अलग फ्लेवर में, तो आप वो भी यूज कर सकते हो। गुड वाइब्स की फेस जेल बहुत ज्यादा अच्छी होती है और स्किन के लिए वैसे ही बहुत अच्छी होती है, स्किन में ग्लो भी देती है। गुड वाइब्स की इससे पहले मैंने हनी जेल, ऑरेंज जेल और ये सब जेल मैंने यूज की हुई है, मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी है तभी मैंने आपको वो रिकमेंड की है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ चीजों का लिंक आपको दे दिया है, जो भी मैंने अभी यूज किया है वो भी, और जिन मॉइस्चराइजर के बारे में मैं जानती हूँ जो मैंने यूज किए उनका भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, प्लीज आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं सीरम की। जिनकी स्किन ऑयली होती है वो ऑयली सीरम ना लगाए, क्योंकि आपकी स्किन में ऑयल का प्रोडक्शन जो है पहले ही बहुत ज्यादा हो रहा है, ऑयल आपकी स्किन में पहले ही इतना ज्यादा बन रहा है, तो आपको ऑयली सीरम नहीं लगाना है। आप जेल वाली चीजें यूज कीजिएगा, जैसे कि जेल फेस वॉश, जेल मॉइस्चराइजर, जेल सनस्क्रीन, आप इस तरीके से चीजें यूज कीजिएगा जिनकी स्किन ऑयली होती है या फिर कॉम्बिनेशन स्किन है, क्योंकि आप जब ऑयली सीरम लगाते हैं तो आपकी स्किन जो है और ज्यादा ऑयली होने लग जाएगी, आपका मेकअप भी नहीं टिकेगा और आपकी स्किन में पिंपल्स की प्रॉब्लम भी होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए जेल बेस्ड या फिर वाटर बेस्ड जो प्रोडक्ट होते हैं वो स्किन के लिए काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, खासतौर से ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और मेरी स्किन भी इस मौसम में ऑयली हो जाती है तो मैं जेल वगैरह का यूज करती हूँ अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए। फिलहाल मैं अभी आपको यहाँ पर सीरम भी बता देती हूँ। गुड वाइब्स के फेस सीरम भी काफी ज्यादा अच्छे हैं, जिनकी स्किन ड्राई है वो यूज कर सकते हैं, लेकिन जिनकी स्किन ऑयली है कॉम्बिनेशन स्किन है वो जेल का यूज करें। मॉम्स को की ये वाली जेल क्रीम भी बहुत ज्यादा अच्छी है, ये है नेचुरल ग्रीन टी विद एलोवेरा एंड नियासिनामाइड जो है ये वाली जेल है, और इसका कलर भी मुझे अच्छा लगता है, खुशबू भी इसकी अच्छी है, खुशबू भी इसकी बहुत ज्यादा अच्छी है। यहाँ पर आप देख सकते हो काफी लिक्विड सा है ये जेल जो है, आप देख सकते हो। तो मैं अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए इस जेल का यूज करती हूँ। डॉट डॉट करते हुए आपने लगाना है और अपनी स्किन में अच्छे से इसे एब्जॉर्ब होने देना है।
अगर आप पहले से कोई जेल यूज करते आ रहे हो तो वो भी आप यूज कर सकते हो, जो भी आपकी स्किन को सूट करे। आपने पाम में लेकर इस तरीके से नहीं लगाना है, वरना इस तरीके से भी जब आप लगाते हैं ना तो आपकी जो प्रोडक्ट होता है हथेलियों में ही रह जाता है आधे से ज्यादा तो, और फेस पर तो वो जा ही नहीं पाता है। तो इसलिए फिंगर टिप की हेल्प से ही कोशिश कीजिएगा, इस तरीके से डॉट डॉट करते हुए भी लगा सकते हो। अब जेल के बाद बारी आती है सनस्क्रीन की। जी हाँ, सनस्क्रीन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, चाहे आप घर पर रहें, चाहे आप बाहर जाएं, चाहे कहीं बाहर ना भी जाएं, तब भी आपको सनस्क्रीन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सनस्क्रीन हमारी त्वचा की रक्षा तो करता ही है सूरज की हानिकारक किरणों से, साथ ही ये सनटैन की प्रॉब्लम भी नहीं होने देता है, स्किन बर्न नहीं होने देता है, और भी बहुत सारे फायदे होते हैं सनस्क्रीन के, इसलिए सनस्क्रीन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और जब भी आप कहीं घर से बाहर जाते हैं, मार्केट जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, तब तो आपको 10 से 15 मिनट पहले ही अपने फेस पर सनस्क्रीन लगाना चाहिए। एकदम से सनस्क्रीन लगाकर आपने बाहर नहीं जाना है, इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। हमेशा 15 मिनट पहले ही आपने सनस्क्रीन लगाना है ताकि वो आपकी स्किन में अच्छे से एक लेयर बना दे और सूरज की हानिकारक किरणों से आपकी त्वचा की रक्षा कर सके। इसलिए सनस्क्रीन को हमेशा 10 से 15 मिनट पहले ही आपने लगाना है और एकदम से धूप में बाहर ना निकले। आप वाटर बेस्ड या फिर जेल बेस्ड जो सनस्क्रीन आते हैं वो यूज कर सकते हैं, ऑयली स्किन वालों के लिए तो मैं खासतौर से बोलूंगी, अदरवाइज आपको जो भी सूट करता हो आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग वो आप यूज कर सकते हैं। आपने हथेली पर लेकर सनस्क्रीन नहीं लगाना है, डॉट डॉट करते हुए लगाना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो देखा दोस्तों आपने कितना आसान है ये स्किन केयर रूटीन। आपको जो भी प्रोडक्ट आपकी स्किन के अकॉर्डिंगली सूट करते हैं, यूज करते आ रहे हैं, वो ही आप यूज कीजिएगा। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप ये वाले प्रोडक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि मैंने आपको यहाँ पर सजेस्ट किए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सभी प्रोडक्ट के लिंक आपको दे दिए हैं, प्लीज आप एक बार चेकआउट जरूर कर दीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैंने अपने चैनल पर बहुत सारे स्किन केयर हेयर केयर के वीडियोज शेयर किए हुए हैं, तो प्लीज आप एक बार प्लेलिस्ट को चेक जरूर कर लीजिएगा। यदि आपकी कोई भी सवाल है तो आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और एमएक्स टकटक पर भी एक्टिव रहती हूँ, तो वहां पर भी आप मुझे सवाल पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर देना। मैं हर रोज वीडियो अपलोड करती हूँ और उसका नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप इस बेल बटन को हिट करेंगे। आपको मेरे चैनल पर और भी स्किन केयर, हेयर केयर, DIY, मेकअप ट्यूटोरियल, मेकअप प्रोडक्ट्स के रिव्यू, इंस्पायर्ड मेकअप लुक्स, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। मेरे चैनल पर 1000 प्लस वीडियोस आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाकर रखिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। Oh, oh, oh.